नाजरीन आदाब, मैं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और अच्छी खबर सबसे पहले देख सकें। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई जारी। मुस्लिम फरीकैन की तरफ से डॉक्टर राजीव धवन की मजबूत बहस जारी। डॉक्टर धवन ने कहा, अल्लाह और राम का एहतराम लाजमी, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। डॉक्टर धवन ने कहा, हमारे पास है मस्जिद के सबूत। 29वें मरहले में क्या बहस हुई, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रोजनामा इंकलाब में शाया खबर कुछ इस तरह है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक के मिल्कियत का मुकदमा, मुल्क को तबाही से बचाने के लिए अल्लाह और राम का एहतराम लाजमी। मुस्लिम फरीकों की तरफ से बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन ने दलील पेश करते हुए कहा कि तमाम मतनादा जगह राम की जाय पैदाइश नहीं हो सकती। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक मिल्कियत के मुकदमे की यौमिया समात के दौरान मुस्लिम फरीकों की तरफ से बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि उर्दू के शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का मशहूर मकबूल शेर पढ़ा कि सरजमीन हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया, और कहा कि हमारा अजीम मुल्क इस तरह बना है और इसलिए अल्लाह और राम का एहतराम लाजमी है, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दलील पेश करते हुए ये भी कहा कि तमाम मतनादा जगह राम की जाय पैदाइश नहीं हो सकती। अलाहाबादी जमीयत उलमा हिंद के सदर दफ्तर से मौसूल मुकदमे की तफसील के मुताबिक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक मिल्कियत के मामले में आज रोज़ाना की बुनियाद पर की जाने वाली समात का 29वां दिन था, जिसके दौरान डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि हमें राम और अल्लाह दोनों की इज्जत करनी चाहिए। हमारे इस अजीम मुल्क की रवायत रही है कि यहाँ तमाम मदाहिब के पैरोकारों की अपने अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम राम और अल्लाह की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर धवन ने 5 रुकनी आइनी बेंच को बताया कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि एतराज़ इस बात पर है कि राम का जन्म मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ही हुआ था, क्योंकि हमेशा से हिंदुओं का अकीदा ये रहा है कि राम का जन्म राम चबूतरे पर हुआ था, जो बाहरी सहन में वाक़ है। उन्होंने कहा कि असल तनाजा तो राम की पैदाइश के मकाम को लेकर है कि वो कहाँ पैदा हुए। उन्होंने कहा कि पूरी मतनादा जगह जाय पैदाइश नहीं हो सकती, जैसा कि हिंदू फरीक दावा करते हैं। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को यह भी बताया कि मुसलमान ये कह सकता है कि बाबा आदम के ज़माने से उनका यकीन है कि बाबरी मस्जिद की तामीर अयोध्या में हुई थी, लेकिन क्या ये कहने से उनका मसला हल हो जाएगा? नहीं, बल्कि उन्हें इसके लिए अदालत में सबूत देने होंगे, और इस मामले में अदालत में हमने ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे ये साबित होता है कि शरई तरीक़े से मस्जिद की तामीर की गई थी, जिसे हिंदू शरपसंदों ने कानून को अपने हाथ में लेकर दिन दहाड़े शहीद कर दिया था। डॉक्टर धवन ने कानूनी शख्सियत पर बहस करते हुए अदालत को बताया कि दो तरह की कानूनी शख्सियत होती हैं, अव्वल अकीदा और दोम खुद से जाहिर हो जाना, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रात के अंधेरे में एक साजिश के तहत राम चबूतरे से मूर्ति को उठाकर मस्जिद के अंदर रख दिया गया और इसे कहा गया कि राम प्रकट हुए, यानी कि वो स्वयंभू हैं। डॉक्टर धवन ने कहा कि 1989 से कबल कानूनी शख्सियत नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, लिहाजा इसकी क्या कानूनी हैसियत होगी अदालत को फैसला करना होगा। डॉक्टर धवन ने बताया कि धर्मशास्त्र में दो तरह की कानूनी शख्सियत बताई गई हैं, जबकि इसकी तीसरी किस्म ईजाद है और अदालत कानूनी शख्सियत की तीसरी किस्म ईजाद नहीं कर सकता। डॉक्टर धवन ने कहा कि वैदिक ज़माने में दरियाओं और पेड़ पौधों को खुदा माना गया था, लेकिन उस वक्त भी इसको कानूनी शख्सियत का दर्जा नहीं दिया गया था। डॉक्टर धवन ने कानूनी शख्सियत की कानूनी हैसियत पर बहस के बाद परिक्रमा यानी कि तवाफ़ के ताल्लुक से गवाहों के बयानात में तादाद को अदालत के सामने पेश किया।
डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि मतनाज़ा इमारत के इर्द गिर्द परिक्रमा यानी कि तवाफ किए जाने के ताल्लुक से मुतअद्दिद गवाहों ने गवाही दी है, लेकिन इनके बयानात में तदाद है जिससे इनकी गवाही की कानूनी हैसियत मशकूक हो जाती है। डॉक्टर धवन ने अदालत को मजीद बताया कि शरई एतबार से एक मरतबा मस्जिद की तामीर होने के बाद वो ता कयामत मस्जिद ही रहती है, इसमें नमाज अदा की जाए या नहीं। नीज़ इस मामले में हमेशा नमाज अदा की जाती रही है, कभी इसे छोड़ा नहीं गया, लिहाजा फरीक मुखालिफ का दावा गैर वाजबी है, यानी कि मनफी कब्ज़े का दावा गैर आइनी है, क्योंकि तमाम तर हालात के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज अदा करना तर्क नहीं किया था। उन्होंने कहा कि महंत रघुवर दास ने खुद उनकी जानिब से 1885 में दाखिल करदा सूट में मस्जिद के मौजूद होने का एतराफ़ किया है। नीज़ इस ताल्लुक से आज़ाद गवाहों की गवाहियां भी अहमियत की हामिल हैं। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को मजीद बताया कि ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी की कानूनी हैसियत तय करने से पहले ज़बानी व दस्तावेजाती सबूत व शवाहिद को मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि इस ताल्लुक से फरीक मुखालिफ की तरफ से अदालत में कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया। कानूनी शख्सियत पर बहस करने के बाद डॉक्टर राजीव धवन ने मुकर्ररा मुद्दत में दाखिल नहीं किए गए रामलला के सूट की कानूनी हैसियत पर बहस करते हुए अदालत को बताया कि मूर्ति मुकर्ररा मुद्दत में सूट दाखिल नहीं किया, बजाय इसके कि इनका दावा है कि वो मुकर्ररा मुद्दत की पाबंदी से मुस्तस्ना है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर राजीव धवन ने आज अदालत में सूट नंबर 3 और सूट नंबर 5 में फरीक मुखालिफ की जानिब से की जाने वाली बहस का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपील दाखिल की है जिस पर समाअत होना बाकी है। इस अपील में उन्होंने 1946 के इस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें अदालत ने बाबरी मस्जिद को सुन्नी मस्जिद करार दिया था और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया था। राजीव धवन ने अदालत को बताया कि 1966 दिनों की तखीर के बाद अपील दाखिल की गई है, जो मुकर्ररा मुद्दत के कानूनी यानी कि मुकर्ररा मुद्दत के जाब्तों के खिलाफ है, लिहाजा इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर राजीव धवन ने आज अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर फिराक गोरखपुरी का शेर पढ़ा कि सरजमीन हिंद पर अकवाम आलम के फिराक काफले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, और अदालत से कहा कि हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं एक अजीम मुल्क बन गया बल्कि इसमें तमाम अकवाम का तआवुन शामिल रहा है। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत से कहा कि वो कल सूट नंबर 1 पर बहस करेंगे, क्योंकि सूट नंबर 3 और सूट नंबर 5 में वो फरीक मुखालिफ की बहस का जवाब दे चुके हैं। नीज़ महकमे आथार कदीमा की रिपोर्ट मस्जिद की शरई हैसियत और दीगर उमूर पर उनके साथी वकला उनकी बहस के अख्ताम के बाद बहस करेंगे। आज अदालती कार्रवाई सुबह 12 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलती रही। दौरान बहस अदालत में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से डॉक्टर राजीव धवन की मावनत के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट अकरती चौबे, एडवोकेट कुरतुलैन, एडवोकेट कुंवर आदित्य, एडवोकेट तानिया श्री, एडवोकेट सिद्दी पावडिया, एडवोकेट ईशा महर व दीगर मौजूद थे। आज की बहस के दौरान डॉक्टर राजीव धवन के अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा और बोर्ड के सेक्रेटरी सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी भी मौजूद थे। इसी तरह बोर्ड के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के तौर पर एडवोकेट शकील अहमद सैयद, एडवोकेट एमआर शमशाद, एडवोकेट एजाज मकबूल, एडवोकेट इरशाद अहमद और एडवोकेट फजैल अहमद अयूबी भी मौजूद रहे। इनके अलावा इनके जूनियर वकला भी मौजूद थे। तो ये थी रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिसमें डॉक्टर राजीव धवन ने एक मजबूत बहस की है और बार बार ये बात कही है कि जिस जगह पर फरीक मुखालिफ दावा कर रहे हैं कि भगवान राम पैदा हुए हैं, दरअसल उसका कोई सबूत ही नहीं है, न उसके कोई शवाहिद हैं, बल्कि बात इसकी है कि इससे पहले जो भी दावे किए गए हैं वो ये था कि राम चबूतरे पर भगवान राम पैदा हुए हैं। अब देखना यह है कि ये जो बहस है इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन कल जिस तरीके से एक मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि मुस्लिम फरीकों की तरफ से ये कबूल कर लिया गया है, मान लिया गया है कि
رام کی پیدائش اسی جگہ پر ہوئی ہے کہ جہاں پر فریق مخالف دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک سنسنی پھیلائی گئی، لیکن آخر میں یہ خبر غلط ہوئی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر مقدمہ کس بات کا؟ اگر مسلم فریقین یہ مان لیں کہ مسجد کے ممبر کے پاس ہی رام کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ڈاکٹر راجیو دھون پوری وضاحت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ یہ بات کہتے آئے ہیں کہ دراصل جو دعویٰ نرموہی اکھاڑا کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ رام چبوترے کا ہے، نہ کہ مسجد کے اندر کا۔ ڈاکٹر ناصر خاتون، رزق رپورٹ، ایم ایم سی نیوز انڈیا، نئی دلی۔ ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا، نئی دلی، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔